जिम्मेवारी को दिया तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सख्त होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही वहाँ सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। जिम्मेवारी को दिया तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सख्त होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही वहाँ सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए।